हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास वन की वर्कशीट नंबर फिफ्टी सिक्स जो कि सत्ताईस अगस्त 2021 की, की वर्कशीट है और आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स यानी कि गणित तो बच्चों यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला है खेल खेल में गिनना नमस्ते प्यारे बच्चों आप सभी को याद होगा कि पिछली कुछ कार्यपत्रिकाओं में हमने गिनना सीखा चलिए आज हम सभी गिनने का अभ्यास एक मज़ेदार ढंग से करते हैं तो आज हम सीखेंगे गिनना और इसको एक बहुत ही मज़ेदार तरीके से सीखेंगे तो जो हमारा तरीका है जो एक्टिविटी है वो है फिंगर प्रिंटिंग से इल्ली बनाइए तो आपको एक इल्ली यानी कि कैटर बनाना है और इसको बनाने के लिए आपको अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना है कैसे नीचे बॉक्स में कुछ संख्याएं दी गई हैं यहाँ देखिए दस छ तीन सात चार नौ ये सारी संख्याएं हैं और उनके साथ इल्ली का चेहरा बना हुआ है ये यह देखो यहाँ पे इस पूरे में चेहरा बना हुआ है कैटर का अपनी उंगली पर कोई भी रंग लगा कर दी गई संख्या के अनुसार इल्ली यानी कि कैटरपिलर का शरीर पूरा कीजिए तो आप करेंगे क्या अपनी उंगलियों को रंग में डुबा लेंगे और उसके बाद आप कैटरपिलर के आगे अलग अलग रंगों से चित्र को बना देंगे जैसे कि देखिए पहला ये रंग है ये जो नंबर है वो है छः तो छः के आगे हमें छः इस तरीके से फिंगर प्रिंट लगाने हैं ये आ जाएगा पहला ये आ जाएगा दूसरा ये आ जाएगा तीसरा फिर उसके बाद ये चौथा ये है पांचवा और उसके बाद ये है छठा आप अपनी उंगली में अगर आपने रंग लगाया है तो आप उंगली अगर एक बार कहीं रखेंगे तो वहीं पे वो उंगली छप जाएगी तो अपने आप ही ये सारे बन जाएंगे तो छः बन गए अगले में हमें कितने बनाने हैं तो अगले में बनाने हैं तीन ये है पहला ये है दूसरा और यहाँ पे बना दिया हमने तीसरा ठीक है इसके बाद हम कलर चेंज भी कर सकते हैं या सेम कलर से भी बना सकते हैं तो अगले में है सात नंबर तो हम बनाएंगे एक उसके बाद दो उसके बाद तीन फिर है चार फिर है पाँच उसके बाद छः और उसके बाद सात तो हमने सात बना दिए और इसके बाद हमें कितना दिखा रखा है हमें दिया है चार नंबर तो यहाँ पे हम भरेंगे पहला फिर ये है दूसरा फिर इधर है तीसरा और उसके बाद ये है चौथा ठीक है और उसके बाद क्या नंबर लिखा है उसके बाद नंबर है नौ तो आपको यहाँ पे कितने फिंगरप्रिंट्स बनाने हैं नौ तो ये है पहला ये है दूसरा ये बन गया तीसरा ये है चौथा ये बन गया पांचवा ये है छठा ये है सातवा उसके बाद ये बन गया आठवां और यहाँ हम बना देंगे नौवा तो इस तरीके से कितने बन गए कुल मिला के बन गए नौ ठीक है तो हमने ये वाला प्रश्न तो हल कर लिया हमने सभी इल्ली को ठीक से बना दिया है अब हम बढ़ेंगे अपने आगे प्रश्न की तरफ तो एक बार इन नंबर को फिर से दोहरा लेते हैं ये कितना है दस ये ये बना तीन ये है सात ये है चार और ये है नौ ठीक है अब हम देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे है मेरे तरबूज में कितने बीज यहाँ पे देखो आपको तीन तरबूज के टुकड़े बने हुए हैं और यहाँ लिखा है कि दिए गए तरबूजों में बीजों की संख्या गिनकर लिखिए तो आपको पहले पहले टुकड़े में गिनना है कि कितने बीज हैं तो ये है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तो कितने हो गए ग्यारह मेरे साथ साथ आप भी गिनेंगे एक बोलिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सोलह यानी कि सिक्सटीन अब हम तीसरे में गिनते हैं अब चलो इसको इंग्लिश में गिनेंगे वन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो यहाँ पे कितने बीज हैं तो यहाँ पे टोटल है फोर्टीन यानी कि चौदह बीज तो आपके पेरेंट्स के लिए सजेशन है कि बच्चों से फलों के बारे में बातचीत कीजिए और फलों को खाने से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में भी बताइए तो आप ज़रूर अपने बच्चों को ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे जिससे उन इन सभी चीज़ों को वो अपनी ज़िंदगी में भी अपना सकें तो आई होप ये वर्कशीट करने में आपको बहुत ही मज़ा आया होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ लगी होंगी और बहुत अच्छे से इस ये, ये सब चीज़ें समझ में भी आ चुकी होंगी थैंक यू